आप सबको नवरात्रि की शुभकामनाएं और नवरात्रि के पावन पर्व पर हमारा संकल्प भी यही है और प्रार्थना भी यही है कि मध्य प्रदेश को हम सुशासन दे पाए, जिसका हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। विकास और जन कल्याण की योजनाओं को ढंग से क्रियान्वित करके लोगों की जिंदगी बदल पाए और जो टारगेट हमने तय किया है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का, उसके लक्ष्यों की पूर्ति वास्तव में फील्ड में करने वाली टीम यहां बैठी है। वल्लभ भवन से तय होता है, नीतियां बनती है, योजनाएं बनती है, लेकिन नीचे ढंग से क्रियान्वित करना ये जवाबदारी फील्ड के अफसरों की होती है, जिनको कमिश्नर कलेक्टर लीड करते हैं। लेकिन सुशासन का सबसे प्रमुख अगर कोई अंग और पहलू है तो वो है कानून और व्यवस्था का बेहतर होना। मैं आज प्रारंभ में बधाई देना चाहता हूं कि हमारे पूरे प्रदेश में लगभग हमारे कलेक्टर्स ने, हमारे एसपीज ने बहुत अच्छा काम किया है माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई का, और विशेषकर दुराचारी जो है उनको नेस्त नाबूद किया है, आर्थिक कमर भी तोड़ी है। और माफिया जो जनता की जिंदगी को कठिन बनाते हैं, या ये कहूं कि इतना तंग करते हैं कि आम आदमी कठिनाई महसूस कर रहा है, वैसे सारे माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई जारी है, वो कार्रवाई जारी रहेगी। राजदंड का पालन करना भी धर्म ही है, वो हमारा राजधर्म है। सथम साक्ष्यम समाचरेत, इसलिए बेहतर कार्रवाई के लिए सबको बधाई। अभी हम विश्लेषण करेंगे तब बीच में चर्चा होती जाएगी। ये कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस, एसपीआईजी कॉन्फ्रेंस हमारे काम का मूल्यांकन भी है, हमने कितना तय किया था और कहां तक पहुंचे। हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम और बेहतर, देश में सबसे बेहतर कैसे काम करके अपने प्रदेश को आगे बढ़ा पाए।